these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? हाँ जी गाइस, तो मैं आपको व्लॉग स्टार्ट होने से पहले एक बात बता दूं, व्लॉग थोड़ा बड़ा है तो प्लीज स्किप मत करना, पूरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है ये, आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ मैं, तो जाओ जल्दी से देखो जाके। गाइस वेलकम बैक टू सोरेन व्लॉग्स, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और गाइस ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ विदांश के बर्थडे के बाद का शूट कर रही हूँ मैं। ये व्लॉग में आप लोग देखोगे विदांश का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, हमने कहाँ पर किया, ये मैं आपको कहाँ पर किया वो तो मैं बता दूंगी आपको ऐसे ही वीडियो में बता दूंगी। बाकी जो डेकोरेशन वगैरह था उसका पूरा क्लिप है, क्योंकि बर्थडे वाले दिन मैं एक्चुअल में पूरा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वेदांश मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। होता क्या है कि जिस दिन बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है ना, उस दिन बच्चा ज्यादा तंग करता है, और एग्जैक्टली वही हुआ जैसे ही मैं पार्लर गई। एंड ही इज क्राइंग, कीप ऑन क्राइंग, ये चुप ही नहीं हुआ, बहुत ज्यादा रोया। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे मैं तैयार हुई, पहले मैं हुई, फिर मम्मी, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग तैयार हुए। देन उसके बाद मैं रेडी तो हो गई, जब मैं घर आने लगी फिर से ये रोने लग गया। फिर मैं रेडी होके हो गई, फिर मैंने आके वेदांश को रेडी किया। मैं इसको रेडी कर रही थी तब भी ये इतना रो रहा था कि मुझे एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला कि मैं फ़ोन उठा के शूट करना स्टार्ट करूं। तो गाइज इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि हमने कैसे वेदांश का बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्या कहाँ पर किया, और कैसी डेकोरेशन थी, किस किस को बुलाया, कौन कौन आया, क्या हुआ, सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। बट आपको थोड़ी पेशेंस रखना होगा और आपको पूरा व्लॉग देखना होगा। गाइज अगर आप स्किप करके भी व्लॉग देखते हैं ना, तो मुझे पता चल जाता है। एक्चुअल में क्या है कि जो व्लॉगर्स होते हैं ना, उनको काफ़ी कुछ पता रहता है कि जो उनके व्यूअर्स हैं उनके वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना। तो मैं ये स्टार्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। लाइक गाइज अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे प्यार करते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। ये व्लॉग अपलोड होने के बाद विदांश का गिफ्ट व्लॉग आएगा कि किसने क्या गिफ्ट दिया, वो भी मैं शूट करके रख चुकी हूँ, बस मेरे को एडिटिंग करना है, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी। पहले मैं ये अपलोड करूँगी, देन आई अपलोड देन वो वाला व्लॉग। और ठीक है, मैं आपको, चलो मैं बताती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग को। तो आप ये क्लिप देखोगे कि डेकोरेशन कैसा था, ठीक है गाइस, डेकोरेशन कैसा था वो क्लिप देखोगे, वो देखने के बाद अब आपको दूसरा क्लिप दिखाऊंगी। गाइज आपने डेकोरेशन देख ली, ये वेदांश के लिए हमने थीम स्पेशल सोचा था कि हम थीम वाइज ही डेकोरेशन कराएंगे, तो हमने थीम कोकोमेलन की थीम ली थी, पूरा बिल्कुल कोकोमेलन की थीम के अकॉर्डिंग ही पूरा डेकोरेशन था। पूरा आपने बैंक्वेट देखा, हाँ मैं आपको बता दूं कि कौन सा बैंक्वेट था। ये बैंक्वेट था महाराजा बैंक्वेट पंजाबी बाग, ये इसलिए शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन है, उससे ही आगे 200 मीटर की दूरी पे सर्विस रोड पे है ये बैंक्वेट। काफ़ी अच्छा बैंक्वेट था, इनकी सर्विस जो भी होता है ना काफ़ी कुछ अच्छा था, खाना वगैरह बहुत अच्छा था। तो हमने इसलिए ये बैंक्वेट चूज़ किया अपने वेदांश के फर्स्ट बर्थडे के लिए। बहुत ही अच्छे से वेदांश का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, हमारे सारे भगवानों की बहुत कृपा हुई हमारे ऊपर, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और अब आप देखोगे वेदांश का केक, तो देखिए आइए। तो गाइज आप लोगों ने वेदांश का केक देखा, कोकोमेलन ही केक था, जैसी थीम वैसा केक, केक बहुत प्यारा था देखने में, जो वीडियो है उसमें बहुत प्यारा लग रहा है। जब
जहाँ से आ रहा था केक, बैंक्वेट तक आते आते वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया था। वीडियो में थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा नहीं आया, जैसे इस वीडियो में वैसा वीडियो जो कैमरामैन ने वीडियो ली थी उसमें वैसा नहीं आया है। बट कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि इस टाइप का केक था। केक बहुत यम्मी था, टेस्ट वाइज देखने में बिल्कुल ऐसा था। अब आप देखोगे वेदांश की एंट्री, हमने एंट्री वेदांश की कैसी कराई थी। ठीक है गाइस, एंट्री आपने देख ली होगी। गाड़ी में एंट्री हुई थी वेदांश की। वो एक्चुअल में ना थोड़ी बैटरी जो ऑपरेट करते हैं ना, वो रिमोट थोड़ा सा ठीक से चल नहीं रहा था, बाकी तो बिल्कुल स्ट्रेट ही आ रहा था, सही था। थोड़ा सा रो रहा था वेदांश स्टार्टिंग में, बट हमने उसको स्पून दे दिया था। वो स्पून से क्या है कि घर पे भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, तो हमने उसको उस टाइम वहाँ पे स्पून दे दिया, तो वो खेलने लग गया था। और एंट्री हो गई थी, अब एंट्री हो चुकी है। अब आप देख, केक भी आपने देख लिया, केक रखा हुआ जैसे कि टेबल के ऊपर। अब केक कटिंग होगी, तो अब आप केक कटिंग की वीडियो देखना, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी डांस की और इन सब की। ठीक है, जी गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले गिफ्ट वेदांश का आता है, नानू नानी के घर से वेदांश की गोल्ड की चेन आती है। वंशु इसको पहनाता है वेदांश को, बट वेदांश चुप ही नहीं होता है, ये बहुत रोता है, फोटो भी नहीं क्लिक करवाता। आप देख सकते हो सब इसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये बहुत मुश्किल से थोड़ा सा चुप होता है, बट फिर रोने लग जाता है, फिर मेरे पास आता है, फिर नानी के पास, फिर पापा के पास। ये बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा ये रोता है अपने फर्स्ट बर्थडे पर। बट कोई नहीं, इसने एक पिक्चर तो क्लिक करा ली। चलो अब वंशु इसको चैन पहनाएगा, उसके बाद मैं आपको दीदी का गिफ्ट दिखाऊंगी, दीदी का ही फोटो दिखाऊंगी, बाकी आप स्किप कर दूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अब वंशु इसको वेदांश को चैन पहना रहा है, आप देख सकते हो, आप देखना और मैं आपको ऐड करती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हॉच पॉच सा हो जाता है। अब यहाँ दीदी वेदांशु डूब देती है, दो ड्रेसेस होती है और वो कैश देती है सगल, और बाकी सब भी ऐसे धीरे धीरे गिफ्ट देते जाएंगे। ये नानी जी हैं जो गिफ्ट दे रही है वेदांश को। अब दादाजी दादी आएंगे, इनके साथ पिक्चर क्लिक होगी, और दादाजी दादी अलग गिफ्ट देते हैं वेदांश को, ड्रेस देते हैं, चेयर आती है। वो आप ब्लॉग में देखोगे कि क्या क्या गिफ्ट आए थे घर से, वो सब आप ब्लॉग में देखोगे, बट इसमें भी देखो, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। Thank you.
ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ ही है, ये भी वेदांश के लिए अच्छा गिफ्ट लेके आती है, सगन भी देती है, काफ़ी अच्छी है ये नेचर वाइज। मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी और ये मेरी मौसी है सेकंड नंबर वाली रियल, ये वेदांशी गिफ्ट देने आई है और ये मेरी कज़न है। ये मेरी दोनों नानी है और ये मामी है, ये भी आती हैं, अभी फोटो क्लिक करवाते हैं हम लोग इनके साथ में। ये भी मेरी नानी है, मम्मी की मासी बैंक वाली नानी है ये भी मेरी। ये भी मेरी नानी है, मामी है, मामा जी है, मेरे कजन्स हैं। नानी के यहाँ से भी बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स आते हैं, काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं मामी ने, नानी ने, नानी ने, मामा जी। नानी है और जितना मेरे फ़ोन में शूट हुआ हुआ था मैंने अपलोड करा है उनका, उनका जो जो गिफ्ट आए थे, जो जो कैप्चर्स किए वो सब मैंने व्लॉग में दिखाया। और यहाँ पर वेदांत देखो कैसे मस्ती कर रहा है, काफ़ी अच्छे से खेलता है, पापा इसका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे पापा। और ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है, खुश था ये, काफ़ी ज़्यादा खेल रहा था, खूब झूम रहा था। देख सकते गाइस, आपने देखा कि कैसा रहा केक कटिंग का टाइम और क्या क्या गिफ्ट्स दिए, वो तो आप सब व्लॉग में देखोगे। बट जो नानी के घर से आया था वेदांश का स्पेशल था, गोल्ड की चेन आई थी, ड्रेस आई थी, काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स आए थे, वो आप देखोगे व्लॉग में, गिफ्ट वाले व्लॉग में। और गाइस हाँ, मैं ये बता रही थी, आप लोगों ने मेरी लुक तो देखी नहीं, तो व्लॉग को पूरा देखना, स्किप मत करना, मेरी लुक देखना, मैं कैसी लग रही थी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। रिंकू कैसे लग रहे थे, वेदांश कैसा लग रहा था, हमारा तीनों का बताना कि हम लोग कैसे लग रहे थे। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये व्लॉग। और अब मैं आपको दिखाऊंगी आपके साथ डांस की वीडियो, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो पूरा देखते रहना व्लॉग को। व्लॉग लंबा हो रहा है बट कोई बात नहीं, आप सभी को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा आई होप, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो अब देखो डांस की वीडियो।
गाइस आप लोगों ने डांस की वीडियो भी देख ही ली है जैसे कि, तो अब आप देखोगे मेरा लुक, रिंकू का लुक और वेदांश का लुक। मैं फोटो ऐड कर दूंगी, वीडियो होगी तो वीडियो ऐड कर दूंगी, आप लोग देखना और कमेंट में जरूर जरूर बताना कि हम लोग कैसे लग रहे थे। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया, पिक्चर्स, केक कटिंग की वीडियो, व्लॉग, जो डेकोरेशन था सब कुछ, डांस की वीडियो, मेरा लुक, फोटोज वगैरह जो भी था सब कुछ शेयर कर दिया, जितना भी था मेरे पास फोन में, मेरे जो भी मतलब कैप्चर हुआ था सब लोग, सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना और शेयर भी कर देना, और कमेंट्स में बताना भी कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। और ठीक है गाइस, और व्लॉग थोड़ा बड़ा है तो स्किप मत करना, अच्छे से देखना, बहुत आपको बहुत मजा आएगा। गाइस बाय, तो मिलते हैं किसी अच्छे से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।